आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हम जानेंगे कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण क्या होते हैं, इसके ज्योतिषी कारण क्या हो सकते हैं और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस को हम रंग अंधापन के नाम से भी जानते हैं। रंग अंधेपन के शिकार व्यक्ति विशिष्ट रंगों की पहचान करने में समस्या पाते हैं, जिसके कारण रोगी कुछ विशिष्ट रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह आंखों में संवेदनशील पिगमेंट की अनुपलब्धता के कारण होता है। यह पिगमेंट आंखों के शंकु में मौजूद होते हैं, जो कि नेत्र गोलक के ठीक पीछे मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं रंग अंधेपन के लक्षण क्या है। इस बीमारी में व्यक्ति कुछ विशिष्ट रंगों का पता लगाने में असमर्थ होता है। यह संभव हो सकता है कि व्यक्ति लाल रंग या हरे रंग या पीले रंग आदि की पहचान ना कर पाए। कुछ रोगी रंगों के कुछ विशिष्ट रंगों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। कुछ विशेष मामलों में रोगी केवल काले और सफेद रंगों को ही पहचान पाते हैं। आइए जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के प्रकार। लाल रंग का अंधापन हो सकता है, हरे रंग का अंधापन हो सकता है, नीले रंग का अंधापन हो सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति इन तीनों रंगों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। देखा जाए तो तीन प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस पाए जाते हैं। पहला मोनोक्रोमेटिक, इस अवस्था में व्यक्ति केवल एक प्रकार का रंग देख सकता है। दूसरा है डाइक्रोमेटिक, इसमें व्यक्ति केवल दो रंगों को देख पाता है। तीसरा होता है एनोमेलस ट्राइक्रोमेटिज्म, इसमें व्यक्ति तीन रंग को देख पाता है। आइए जानते हैं कौन से दो टेस्ट के द्वारा पहचाना जा सकता है इस रोग को। कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए दो प्रकार के टेस्ट कॉमन है, और वो है एक इशिहारा टेस्ट और दूसरा है लालटेन टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस के उपचार के लिए लाइट फिल्टरिंग लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा रोगी को लाभ होता है। आइए अब जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए ज्योतिषीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से रंग अंधापन के कारणों का पता लगाना भी संभव है। कुंडली का दूसरा और बारहवां घर आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए यदि ये दो घर खराब प्रभाव पैदा कर रहे हैं कुंडली में, तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आंखों के रोगों से पीड़ित कर सकता है। यदि दूसरे और बारहवें घर में किसी भी प्रकार के ग्रहण योग बन रहे हैं, तो भी संभव है कि व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो। यदि शुक्र इनमें से किसी घर में खराब प्रभाव पैदा कर रहा है, तो यह भी संभव है कि व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाए। यदि बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा अशुभ अवस्था में हो, तो भी ये आंखों से संबंधित रोगों को पैदा कर सकता है। यदि कुंडली में छठवें घर के साथ दूसरा और बारहवां घर किसी भी प्रकार का बुरा संबंध बना रहा है, तो भी जातक आंखों से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। यदि दूसरे और बारहवें घर के स्वामी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में हो, तो भी ये आंखों से संबंधित बीमारियां दे सकता है। अतः कलर ब्लाइंडनेस के कोई एक कारण नहीं है। कुंडली देख के ही ये जाना जा सकता है कि कौन से विशेष कारण के कारण जातक कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित। आइए अब जानते हैं कि ज्योतिष में कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि इस बीमारी को ठीक करना संभव नहीं, लेकिन अगर हम ज्योतिष के तरीकों को अपनाते हैं, तो बहुत से लाभ हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जिस अशुभ ग्रह के कारण जातक आंखों की समस्या से ग्रस्त हो रहा है, उसकी शांति पूजा समय समय पर करवाते रहना चाहिए। इससे जातक उस रोग की गंभीरता से बच सकता है। जन पत्रिका के अनुसार विशेष प्रकार के रत्न भी स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ
कुंडली में ग्रहों को देखते हुए विशेष मंत्र का जप भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसी के साथ आत्म सम्मोहन तकनीक का प्रयोग अगर जातक करें तो बहुत ही शीघ्र लाभ देखने को मिल सकता है। ऑकल्ट साइंस या मनोगत विज्ञान में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए जो भी सर्वोत्तम प्रयास हो वो जरूर हर जातक को करना चाहिए। अगर आप भी किसी प्रकार के स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं तो ज्योतिषीय मार्गदर्शन अवश्य लें और बनाएं अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित जानकारियां अवश्य प्राप्त हुई होंगी और आप अपने आंखों की देखभाल अब बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।